What is the Hindi meaning of human? अब हम इसको लिखते समय इसकी हिचे करके बता रहे हैं तो हाथ तो हम जानते हैं कि हाथ हलवाई का होता है या पारा का होता है। इसमें इसको आधा करके यहाँ या लगाए अब यहाँ पे उनकी मात्रा लगाते हैं क्यों क्यों और माँ छोटा माँ ना छोटा ना क्यों वन तो जिससे पिछली बार उच्चारण में गलती होगी वो प्रश्न उत्तर में उसको सही कर लेना। तो हम यहाँ से इसको हटा ये सभी में बोल दिया इज एनीबडी लेस नो वन इज तो अब क्वेश्चनिंग आंसरिंग है ये आपसे क्वेश्चन करेंगे तो सेम क्वेश्चन आप आगे बढ़ा विल यू बी अ गुड मैन यस आई विल बी अ गुड मैन क्या आप अच्छे इंसान बनेंगे यस मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा विल बी अ गुड मैन Yes, I will be a good man. अब हम एक काम करते हैं आप लोगों को जगाने के लिए सबको एक एक कदम दे रहे हैं यहाँ से शुरू करें आप सब सो रहे थे उन्होंने गलत कुछ किया इतनी सी गलती हुई है लेकिन किसी का ध्यान नहीं दिया तो एक कदम तुम दे दो कोई भी संदेश तुम अपने नाम बस बता सकते हो चाहे तुम नाम बता दो लेकिन इंग्लिश में बोलना सब हाँ ये एक सेंटेंस का दंड हो गया गलती किसकी है किसी की नहीं है लेकिन सब सो रहे थे किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि भैया ने गलत बोला करेक्ट गुड मॉर्निंग मेक्स अस वेट सॉफ्ट फायर मेक्स अस वेट मॉर्निंग डायरेक्ट अपन बिचार Check. 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 नहीं उनकी उनकी तो गलती है तो उनको तो दंड मिलेगा तुम लोग सो रहे थे इसलिए तो हमें दंड मिला वो बोल रहे देयर उसने कोई भी दंड दिया नहीं और देयर बोल रही है तो तुम लोग को एक एक का दंड और दे क्या नहीं सर चलो तो एक कवर दे दो अब ये तो नया है तो इसको कोई इंटरेक्टिव मीडियम नहीं पता है तो उससे हमने उसका नाम दिलवाया अच्छा अभी भी फादर नेम बोल रहे हैं फादर कोई बात नहीं उसके बाद में अभी हम इसी राउंड की चल पाते तुम थोड़ा थोड़ा आग को दबाने की कोशिश करने हाँ ये चीजें बाकी तुम लोग किसी को इन्होंने दीदी ने कुछ बोला ना कोई जरा सा भी लेट हो मतलब वो सो रहा है जागृत अवस्था में नहीं है तो उसको फट से कंप्लीट द प्रोसेस बोलो या गुड मॉर्निंग बोलो लॉजिक
अब चूंकि वो सेंटेंस बच्चे के मुझसे गलत निकला तो एक बार हम दो दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके लिए भी ये नई चीज हो जाएगी। ठीक है, हम तुमसे शुरुआत करते हैं, तुम यहाँ पूछ। नेम और सरनेम दो चीजें पूछी, दोनों अलग अलग। व्हाट इज योर फादर्स नेम? माय फादर्स नेम इज प्रहलाद पटेल। आपके पिताजी का नाम क्या है? बेटा हम ये वाला लगा रहे हैं, ये जो ऊपर कॉमन लगता है, जब ऊपर लगता है तो इसको कॉमन नहीं आता, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफ। ठीक है, अपोस्ट्रोफ लिखवा देंगे बाद में। और इससे आपकी मम्मी जी का नाम क्या है? एंड व्हाट इज हर सरनेम? और उनका उपनाम क्या है? तुमने दोनों उत्तर सही दिए। अब जिस हिसाब से तुम लोग बैठे हो तो तुम इनसे पूछ। हाँ कुछ भी पूछ सकते हो। What is your mother's name? My mother's पहले हिंदी कर। आपकी माता जी का नाम क्या है? मेरी माता जी का नाम सुशीला है। एंड व्हाट इज हर सरनेम? व्हाट इज हर सरनेम? माय मदर सरनेम बादम। माय और नाम क्या है? सॉरी आंसर के लिए अब एक चांस हम यहाँ पे इनको दे देते हैं, इतने देर से इन्होंने कुछ नहीं बोला। बेटे तुम पूछ सकते हो कि दोनों दीदी से पूछ। What is your mother's name? My mother's is name। अच्छा यहाँ भी गड़बड़ हो गया, वो भैया से अभी नहीं हुआ तो उनसे पूछ। What is your mother's name? बदलना तो नहीं है।
चेंज तो नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं नहीं वैसे तो कोर्ट में जाके बदला जाता है सब में, लेकिन इस क्लास में अगर ऐसा क्रिएटिविटी होती है तो बदल भी सकते बदलना होता है। अंबानी कर सकते हो, चोपड़ा कर सकते हो, मतलब इतना टाइम लगा रहे तो हमें लगा तुम्हारी इच्छा है कि सरनेम बदल दो, ऐसा गांधी कर सकते नेहरू कर सकते। हिंदी बोले हिंदी देखो अब जैसे उसका काफी अच्छा प्रदर्शन रहा उसकी एज के हिसाब से, हमने सबको ट्राई किया, वहां ट्राई किया यहाँ किया तो मैं किया, सबने कुछ ना कुछ गड़बड़ की, तो अब फिर से एक नया राउंड शुरू कर देते हैं, तुम इधर आ जाओ तुम इधर चले जाओ तुम उधर चले जाओ, ये थैंक यू बेबी थैंक यू। शुरू करो, उम्मीद करते हैं इस बार पूरा सही होता है। What is your father's name? My father's name is Mr. Francis. And complete the question. आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम रामसिंह है। And what is his surname? My father's surname. अब एक तुम वहाँ चले जाओ यहाँ। ये दूसरी चीज को अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चों मम्मी पापा भैया भी पूछ सकते हैं जिसको पूछना हो, और दीदी भी पूछ सकते। What is his surname? नहीं नहीं दोनों What is the What is your father's name? इस बार बदल दो, इस बार मदर रख के देख। What is your mother's name? My mother's name is आपकी माता जी का नाम क्या है? मेरी माता जी का नाम श्री है। एंड व्हाट इज हर सरनेम? हिज सरनेम सुभाष सरनेम हां हर सरनेम इज तिवारी। और उनका नाम क्या है? उनका उपनाम तिवारी है। ये स्त्री के लिए लगाते हैं, कोई स्त्री हो उसके लिए लगाते हैं। उसका या अगर सम्मान नहीं है तो उनका, और पुरुष के लिए क्या लगाते हैं? माय ब्रदर्स नेम आर सॉरी अच्छा तुम आओ इधर एक मिनट, और तुम इधर आ जाओ वो उधर चली जाओ, तुम इधर आ जाओ और योर ब्रदर्स नेम माय ब्रदर्स नेम अभिषेक सॉरी तुम इधर आ जाओ। What is your brother's name? My brother's name is Rahul. आपके भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम राहुल। And what is his surname? His surname is Patel. और उनका नाम क्या है? His surname is हमने देखो लिख दिया है दोस्त, हमें छोटी सी मात्रा है his. His. अगर ये मात्रा हम इस तरफ से लगाएंगे तो हिज हो जाएगा, हिज नहीं हो जाएगा, छोटी की मात्रा लगाना हिज 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 ई छोटा ई
बड़ा सी His surname is और उनका उपनाम क्या है? उनका उपनाम अखिल What is your sister's name? Okay. My sister's name is Bhavu. And her आपकी सिस्टर का नाम क्या? आपकी बहन का नाम क्या? मेरी बहन का नाम भावना है. What is her surname? एंड लगाना सीखो ना, वो वहां अच्छा लगता है. हर सरनेम इस बागे. और उनकी सरनेम क्या है? उनका उपनेम बागे है. What is your brother's name? My brother's name is Abhishek. आपके भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम अभिषेक. And what is Her surname. What is his surname? His surname is Koshta. और उनका उपनाम क्या है? उनका उपनाम कोश्ता है. यहाँ पे एक अवसर मिल रहा है जो केवल यहाँ उपलब्ध है और वहाँ उपलब्ध है, दो जगह उपलब्ध है, तो क्यों ना हो उस अवसर का हम लाभ उठाए. आपने से कोई संकेत समझा क्या? हाँ, केवल दो जगह भी आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इनकी शादी हुई है, उनकी हुई है, तो आप इनसे हस्बैंड पूछ सकते हैं और किसी से यहाँ आपका हस्बैंड नहीं पूछ सकते. तो क्यों ना हम इस अवसर का लाभ उठाएं, तो हस्बैंड पूछ एक बार. What is your husband's name? Yes. My husband's name. Husband's name is Sameer. आपके पति का नाम क्या है? मेरे पति का नाम समीर है. What is his end लगा के बोले? And what is his surname? His surname is Thakur. और उनका उपनाम क्या है? उनका उपनाम ठाकुर है. What is your sister's name? My sister's name is Rupali. आपकी बहन का नाम क्या है? मेरी बहन का नाम रूपाली. What is and what is her surname? Her surname is Patel. उनका उपनाम क्या है? उनका उपनाम पटेल है. कभी कभी शादी के बाद सिस्टर का सरनेम बदल जाता है, तो उसमें उस जगह पे ये वाला सेंटेंस पे बड़ा ये सुख. अब आप आगे बढ़ाओ बेटा, आगे पूछो. What is your brother's name? My brother's name is Mangesh. आपके ब्रदर से का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम मुकेश है. आपके उनका उपनाम क्या है? और उनका उपनाम है. उनका उपनाम है. What is your sister's name? My sister's name Sonam. Sorry. अब इसमें सॉरी बोल के आप सबको बचा लिया. जिन्होंने सॉरी नहीं भी बोला वो भी बच गया, तो आप इसको बाहर जाके थैंक यू बोल सकते हैं. अब गलती, क्योंकि इस क्लास में गलती करने वाले को दंड नहीं मिलता, तो उनको कोई दंड नहीं, लेकिन उनका वाक्य अपूर्ण है. वाक्य पूरा होगा ही नहीं जब तक वो एक शब्द
नहीं लगाएंगी तो वाक्य पूर्ण नहीं होगा, आधा लगेगा बिल्कुल। What is your brother's name? My brother's name is Satyam. And the boy. Then, आपके भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम सत्यम है। And what is his surname? His surname Gupta. Sorry, sorry, sorry. इस बार सबसे पहले इन्होंने सारे बोला, लेकिन इस बार और भी दो तीन लोग जागे तो ऐसे ही जागे जागे अपने आप धीरे धीरे। आपके भाई का उपनाम क्या है? मेरे भाई का उपनाम गुप्ता है।